हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 19th of September 2020। तो 19 सितंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वॉज रिलीज्ड बाय। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इनमें से कौन रिलीज किया? ऑप्शन आर, फर्स्ट इज ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकेंड इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, थर्ड इज वर्ल्ड बैंक या डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर टू इज, ट्रांसपोर्ट बबल्स समटाइम्स सीन इन न्यूज इज। ट्रांसपोर्ट बबल इनमें से क्या है? ऑप्शन आर, इट इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट यूजेस टू सेट्स ऑफ मैग्नेट, वन टू रिपल एंड अनदर टू मूव द कैरियर इन अ ग्लास बबल। द टेम्पररी अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एम्ड एट रीस्टार्टिंग कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। इट इज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दैट एलिमिनेट्स द डिस्ट्रक्टिव गैस बबल्स इन फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स यूजिंग पंपलेस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबएक्वस गैस बबल्स या नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, व्हिच हु ऑफ द फॉलोइंग वर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। वन इज दादा भाई नौरोजी, सेकेंड इज जी सुब्रमण्यम अय्यर या सी, थर्ड इज आर सी दत्त। तो आपको बताना इनमें से कौन कौन से इकोनॉमिक क्रिटिक या क्रिटिक्स थे। ऑप्शन सर, वन एंड टू ओनली या वन टू एंड थ्री। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। अब आप पॉज करके आंसर्स करिए, अटेम्प्ट जरूर करिएगा एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिएगा, डू शेयर इट ऑल्सो। सो लेट सी दी आंसर्स। अभी समय व्यूज थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि आई थिंक एवरी वन इज बिजी इन द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन, है ना। तो लेकिन अपने को तो कंटिन्यू रखना ही है, न्यूज़ एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती, चाहे वो आप प्रिलिम्स दें चाहे मेंस दें, आप देखेंगे एंड यू विल रियलाइज इट वन डे जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉट इंपॉर्टेंस दिस होल्ड। सो लेट्स सी कि क्या क्या करेक्ट आंसर्स हैं। पहला है क्वेश्चन था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कल ही रैंकिंग आई, आई थिंक परसों रैंकिंग आई है 17th को। तो याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक रिलीजेस दिस ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है ना। और इंडिया की जो रैंकिंग मैं आपको बता दूंगा, चलो छोड़ो। ट्रांसपोर्ट बबल्स, ट्रांसपोर्ट बबल क्या होता है? बेसिकली ये सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है, COVID-19 के टाइम पे स्टार्ट किया गया है बेसिकली, इसको याद रखिएगा, है ना। COVID-19 के टाइम पे कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है फॉर टेम्पररी अरेंजमेंट के रूप में, तो इट इज़ ट्रांसपोर्ट बबल। थर्ड क्वेश्चन था इकोनॉमिक क्रिटिक। तो दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, एक बार यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, रिपीट भी करता है यूपीएससी कभी कभी, ऐसा नहीं कि नहीं करता। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 and 3 तीनों ही इकोनॉमिक क्रिटिक थे, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त, तीनों ही इकोनॉमिक क्रिटिक थे। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दीज वर द आंसर्स। नाउ लेट्स सी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो इसमें रैंकिंग क्या है इंडिया की? इंडिया की 116th रैंकिंग आई आउट ऑफ 174 कंट्रीज, 174 कंट्रीज की रैंकिंग निकाली गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो याद रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट क्या है, इनरोलमेंट रेशियो क्या है, ठीक है ना, और जेंडर डिसएग्रीगेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और उसके हिसाब से फिर रैंकिंग निकलती है। इंडिया की जो रैंकिंग है लास्ट ईयर 115 थी, 115 रैंकिंग थी इंडिया की, याद रखिएगा, लास्ट रैंकिंग जो थी वो 115 थी, इस बार 116 रैंकिंग है आउट ऑफ 174 कंट्रीज। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर, कुछ फैक्ट्स भी मैंने आपको बता दिया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट। 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स इन ईस्टर्न लद्दाख ब्लॉक्ड बाय चाइनीज। अब ईस्टर्न लद्दाख के 10 पेट्रोलिंग पॉइंट है, यानी पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट है, जिनको कि ब्लॉक कर दिया चाइनीज ने, यहाँ पे इंडियंस पेट्रोलिंग करते थे। तो यहाँ पे देख लो आप, अब ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है ना, ये दो रीजन्स के बीच में, जैसे कि एक है देपसांग प्लेन वाला रीजन है, देपसांग भी आप सबको पता होगा कि यहाँ पे चाइनीज इनकर्जन हो चुका है, और दूसरा पैंगोंग सो। तो देपसांग से लेकर के पैंगोंग सो तक के बीच का जो रीजन है, वहाँ पे बेसिकली ये पूरा इशू क्रिएट किया है, इन्होंने ब्लॉक किए हैं जो पॉइंट्स ब्लॉक किए हैं, ठीक है ना। ओवरऑल वहाँ पे लगभग 66 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं काराकोरम से लेकर के चुमार तक का जो रीजन है, काराकोरम से लेकर के चुमार तक का जो रीजन है। Now let me show you the map here। तो यहाँ पे अगर आप देखो मैप में, ये पूरा जम्मू कश्मीर वाला रीजन आपको दिख रहा होगा, जो ये ऊपर का रीजन है, यहाँ वाला जो रीजन है ना, ये देपसांग वाला रीजन है, दिस इज योर देपसांग रीजन, और ये आपको चुमार दिख रहा होगा, दिस नीचे आपको चुमार दिख रहा होगा, ठीक है ना। और चुमार के नीचे ही यहाँ पे आपको देमचोक भी दिख रहा होगा, देमचोक भी एज अनदर रीजन जो कि इशू में रहता है। ये देमचोक बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जब लास्ट पॉइंट यहाँ पे देमचोक ही है, देखो, है ना। तो ये आपको याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर हम पूरा जम्मू कश्मीर देखो, तो ये देखो, ये एक्साई चीन वाला रीजन है, ये पीओके वाला रीजन है, और यहाँ पे एक छोटा सा रीजन है जो कि चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने इलीगली, इसको सक्षगम वैली बोलते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड ये आपका चुमार हो गया,
ये चूसुल हो गया, दिस इज चूसुल और ये देवसांग है। तो नॉर्थ से साउथ भी देखो आप अरेंज कर सकते हो, देवसांग ऊपर फिर चूसुल फिर आपको चुमार मिल रहा है ना। ये आपको मैंने रीजन सारे दिखा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है ये और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैप। और ये देखो आपको राखी नाला भी ऊपर दिख रहा होगा, राखी नाला है, फिर आपको ये देवसांगला पास है नीचे दिख रहा है, जस्ट देवसांगला पास है। और ये पैंगोंग सो वाला रीजन, ये पैंगोंग सो वाला रीजन है, चूसुल है ये पैंगोंग सो वाला रीजन है, ठीक है ना। तो ये कुछ मैप मैप से दिखाने का मतलब ये रहता है कि आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे, तो ये याद रखिएगा ये वाला जो रीजन है ये देवसांग प्लेन्स वाला रीजन है, पूरा देवसांग प्लेन्स भी है। तो यहाँ पूरा आपका देवसांग प्लेन्स, देवसांगला पास ये सब है, ये देवसांग प्लेन्स है, फिर ये देवसांगला पास है ना, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये चूसुल दिख रहा होगा, दिस इज चूसुल, दिस इज पैंगोंग सो एंड दिस इज योर चुमार रीजन एंड देन लास्ट इज योर देमचोक। तो ये आपको याद रखना है जो मैंने बताया नाम, इनको ऊपर से नीचे याद रखना, इस तरीके से मैप भी पूछा जा सकता है इसको, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सो आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके, सो मेक श्योर यू रिमेंबर। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिखा दिए ऑलरेडी, अब यहाँ पे देख लेते हैं मीडिया शुड नॉट टारगेट द माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पे बेसिकली एक शो की बात चल रही है जो कि सुदर्शन टीवी में एयर किया जा रहा है, जिसका नाम है यूपीएससी जिहाद, यूपीएससी जिहाद एक शो है, देन दिस एक तरीके से इसका बहुत ज़्यादा पोज किया गया है, इसके ऊपर स्टे भी लगाया गया कोर्ट द्वारा, क्यों, क्योंकि बेसिकली इट इज़ टारगेटिंग द माइनॉरिटीज़, इट टारगेटिंग पीपल ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन। अब इसमें क्या क्लेम किया जा रहा है बाय द एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के जो हैं, ही हैज क्लेम्ड दैट मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी आर अटेम्प्टिंग टू इन्फिल्ट्रेट द सिविल सर्विसेज। इट रेजेज द क्वेश्चन अबाउट सेवरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द जकत फाउंडेशन विच आर रन बाय द मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स। सो बेसिकली दिस इज समथिंग अ वेरी बैड मेंटेलिटी विच शोज बिकॉज ऑफ दिस, ये सब बहुत ज़्यादा बुरी मेंटेलिटी को शोकेस करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात बताऊँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट आई एस ऑफिसर आई हैव सीन इन माई लाइफ इज शाह फैजल। मुझे इनका मतलब नहीं है कि व्हाट इज हिज पॉलिटिकल एफिलिएशंस आर, क्या है उनके पॉलिटिकल व्यूज़, क्यों उन्होंने आईएएस छोड़ा क्यों नहीं छोड़ा, ये सब चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती, बट इफ़ यू सी द नॉलेज ऑफ दैट पर्सन दैट इज समथिंग एट समथिंग अनदर लेवल। सो इस तरीके की चीज़ें जो बोलना कि दिस इज़ यूपीएससी जिहाद समथिंग लाइक दैट, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन एंड दिस क्रिएट अ वेरी रॉन्ग इमेज ऑफ द माइनॉरिटीज एज वेल, प्लस आपके बारे में भी बहुत गलत ये पोर्ट्रे करता है। सो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड इन दिस कंट्री, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे सबको बराबर का अधिकार है, एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ द लॉ, उस कंट्री में इस तरीके से बातें करना, इस तरीके के शोज को रन करना, दिस इज समथिंग वेरी वेरी बैड। वही चीज यहां पे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कही है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ही सेड दैट वी वांट अ कोहेसिव नेशन, वी एज सिटीजंस आर जजेस आर कंसर्न्ड अबाउट नेशनल सिक्योरिटी बट वी आर ऑल्सो इक्वली कंसर्न्ड अबाउट प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन डिग्निटी, यू शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द ह्यूमन डिग्निटी एंड दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट जस्टिफाइंग दैट, ओके, सो दिस शुड नॉट हैव हैपेंड। आगे मूव करते हैं, देखते हो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं, यू कैन मूव विद मी। एक एडिटोरियल हम देखेंगे आज, एक ही एडिटोरियल, अनदर अफगान पीस पुश एंड अ रोल फॉर इंडिया। अब यहाँ पे बेसिकली इंट्रा अफगान टॉक्स, जो इंट्रा अफगान निगोशिएशन चल रहा है, ईआन याद रखना, IAN अगर आपसे बोलते हैं क्या है तो इंट्रा अफगान निगोशिएशन बोलते हैं। अब ऑथर ने कहा कि इंट्रा अफगान निगोशिएशन जो है वो भी दोहा में शुरू हुए हैं, दोहा टॉक्स जो हुए हैं बेसिकली US तालिबान अफगान गवर्नमेंट इन सबको बीच में रख करके ये बातचीत चालू की जा रही है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इन द अफगानिस्तान रीजन। अब ऑथर ने यहां पे ये बोला है कि सबसे बड़ी चीज अगर आप देखें तो क्यों अफगानिस्तान की, अगर आप देखेंगे क्यों ये टॉक्स फेल होगी या क्यों ये टॉक्स संशय वाली है, सस्पिशियस है, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा है। ऑथर ने कहा है देखो इसका नाम ही क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है तालिबान US टॉक्स। अब तालिबान US टॉक्स रखा जाएगा अगर इस निगोशिएशन का नाम, तो फिर वहाँ की अफगानिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो वहाँ पर एस्टैब्लिश है उसकी तो अपने कोई वैल्यू ही नहीं रखी, मेन प्लेयर्स तो तालिबान हो गया और दूसरा मेन प्लेयर USA हो गया है ना। तो ऑथर ने कहा कि ओरिजिनली जब इसको स्टार्टिंग किया गया था तो चार ऑब्जेक्टिव्स थे, देवर ओरिजिनली फोर ऑब्जेक्टिव्स दो की दिमाग में रख करके ये टॉक्स शुरू किए गए थे। पहला क्या था, टू एंड अ वॉयलेंस बाय डिक्लेयरिंग अ सीज फायर, एक तो वॉयलेंस को एंड करना है बाय डिक्लेयरिंग सीज फायर। दूसरा इंट्रा अफगान डायलॉग फॉर लास्टिंग पीस, देन तालिबान कटिंग टाइज विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सच एज अलकायदा, एंड चौथा था US ट्रूप विदड्रॉल। तो ऑथर ने कहा कि विद इन मंथ्स ये सारी चीजें एक तरफ हो गई, केवल एक चीज लास्ट वाला पॉइंट यानी कि विड्रॉल ऑफ द US ट्रूप्स बस रह गया इसका पॉइंट। तो मतलब कि बाकी के जो पॉइंट थे सीज फायर वाला, इंट्रा अफगान टॉक्स वाला या ये सारी चीजें पीस इस्टेब्लिश करने वाला, तो वो सारे पॉइंट गायब हो गए और एक पॉइंट केवल बचा कि विड्रॉल ऑफ द US ट्रूप्स।
तो ऑथर ने बोला कि पहले होना चाहिए था कि अफगान लेड अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड रिकंसिलिएशन होना था इसको, अफगान लेड अफगान ओन्ड एंड अफगान कंट्रोल्ड रिकंसिलिएशन, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया, यूएस लेड एंड तालिबान कंट्रोल्ड प्रोसेस में इट वॉज कन्वर्टेड टू। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, अगर आप लिख पाएं, ये क्वेश्चन आएगा जैसे मेरे हिसाब से इंटरनेशनल अफेयर्स में, अफगानिस्तान में इंडिया का रोल क्या है कैसे है, तो इसमें आप लिखिएगा जरूर कि इंडिया चाहता था कि अफगान लेड अफगान ओन्ड अफगान कंट्रोल्ड रिकंसिलिएशन हो, बट ओवरऑल जो प्रोसेस है कन्वर्ट हो गया यूएस लेड एंड तालिबान कंट्रोल्ड प्रोसेस में, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ये चीज़ गड़बड़ थी। अब ऑथर ने कहा एक तालिबान फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस पूरी प्रोसेस में। अभी रिसेंटली ये सिगार नाम की रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, याद रखिएगा यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, इट हैज इशूड इन जुलाई कवरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2020 असेस्ड दैट द तालिबान इज कैलिब्रेटिंग इट्स यूज ऑफ वॉयलेंस टू हरास एंड अंडरमाइन द ANDSF, यानी कि तालिबान जो है अपने वॉयलेंस का यूज कर रहा है टू हरास द ANDSF, मतलब अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, ठीक है ना, यानी कि अफगान गवर्नमेंट को। लेकिन अब देखो क्या कर रहा है कि यूएस बात किससे कर रहा है, यूएस बात भी अफगान तालिबान से ही कर रहा है। तो बेसिकली एक तरीके से चीज़ है कि वो एक तरीके से गवर्नमेंट को भी हरास कर रहा है, मतलब कितना बड़ा उसका इन्फ्लुएंस है। दूसरा चीज़ जो ऑथर ने बोला है, जो मैंने पॉइंट बताया था, नथिंग रिफ्लेक्ट्स द चैलेंज फेसिंग द इंट्रा अफगान निगोशिएशन मोर स्टार्कली देन द टाइटल ऑफ द यूएस तालिबान दोहा डील। तो इसको यूएस तालिबान दोहा डील अग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान कहा जा रहा है, यूएस तालिबान दोहा डील फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। नाम से ही देखो कि कहीं अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कोई नाम नहीं है, मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट की कोई क्या वैल्यू नहीं है, या पूरा का पूरा रोल वही है कि तालिबान और यूएसए ही प्ले कर रहे हैं। सो दैट इज़ द थिंग, ये बहुत दिखाता है कि कितना ज़्यादा बुरा कंडीशन है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जो लीडर ऑफ हक्कानी नेटवर्क है, जो हक्कानी नेटवर्क का लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, हु इज़ ऑल्सो द सेकंड इन कमांड ऑफ द तालिबान, वो सेकंड इन कमांड है, 2IC है किसका, तालिबान का। अब वो हक्कानी नेटवर्क का वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ये इसके ऊपर जो इसका सिराजुद्दीन हक्कानी है ये US वॉन्टेड है, एंड $10 million का अवार्ड भी है, रिवॉर्ड भी है इसके ऊपर, और ये तालिबान का सेकंड इन कमांड है, और फिर भी तालिबान के साथ डील कर रहा है USA, तालिबान को मेजर उसमें फ्रंट लाइन में रख रहा है USA। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ही तो करती हैं, एंड उसी कंट्रीज उसी ग्रुप से जहाँ का सेकंड इन कमांड, जहाँ का 2IC इतना बड़ा टेररिस्ट हो, वांटेड टेररिस्ट हो, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ISIS के अगेंस्ट लड़ाई में आपका साथ देगा। नाउ दिस इज़ द थिंकिंग ऑफ USA दैट दे विल हेल्प देम इन द इन फाइट अगेंस्ट ISIS, एंड जब आप देख रहे हो कि उसका जो सेकंड इन कमांड है वो ऑलरेडी इतने बड़े टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर लीडर है ना। इंडिया के लिए ऑथर ने कहा है कि इंडिया ने काफ़ी इवॉल्व किया है, क्योंकि इंडिया का पहले स्टैंड था कि अफगान लेड अफगान ओन्ड अफगान कंट्रोल्ड प्रोसेस होनी चाहिए, और तालिबान जब तक निगोशिएशन टेबल पे बैठेगा तब तक वो नहीं बैठेंगे इंडिया, बट नाउ दे हैव चेंज द स्टैंड। अगर दोहा डील में अगर आपने देखा हो तो एस जयशंकर वॉज सिटिंग देयर एंड ही वॉज अ पार्ट ऑफ दीज निगोशिएशन ऑल्सो, ही वॉज अ पार्ट ऑफ दीज निगोशिएशन, एंड ऑथर ने यही कहा कि इंडिया को एक अच्छा रोल प्ले करना अगर चाहता है तो उसको बिल्कुल बैठना पड़ेगा, उसको बात करनी पड़ेगी, एंड दिस वॉज मेड क्लियर अर्लियर ऑल्सो, पहले भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी, अगर इफ इंडिया वॉन्ट्स टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी देन इट मस्ट बी प्रिपेयर टू डांस, मतलब अगर इंडिया को चाहता है कि वो पार्टी बने अफगानिस्तान के उसमें, तो फिर उसको फिर इस तरीके से एक बात तो करनी पड़ेगी, अगर आप सच में चाहते हैं अफगानिस्तान में पीस प्रिवेल करे तो एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब ऑथर ने कहा कि हर व्यक्ति का अलग अलग मोटिव है अफगानिस्तान से, जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट का मोटिव यह है कि इलेक्शन के पहले क्या कर सकते हैं, वो री इलेक्शन के पहले एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी है ताकि वहाँ पे नाम हो जाएगा। दूसरा है यूरोपियन यूनियन हैज़ मेड इट क्लियर दैट इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन विल डिपेंड अपॉन द सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, तो अगर वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा तो यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करेगा। चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को प्रिजर्व करने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए साथ दिया है। फॉर रशिया ब्लॉकिंग द ड्रग सप्लाई, रशिया चाहता है कि यहाँ से जो ये रीजन है यहाँ से ड्रग सप्लाई जो है थोड़ा ब्लॉक हो जाए, ठीक है ना। एंड लेकिन कोई भी ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी पावर जो है दे आर नॉट टेकिंग द ओनरशिप फॉर द रिकंसिलिएशन टॉक्स बट दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ एज अ फैसिलिटेटर, कोई भी इन टॉक्स का ओनरशिप नहीं लेना चाहता है बट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी अ फैसिलिटेटर इन दैट, ठीक है ना।
फाइनली ऑथर कहते हैं कि इंडिया का जो विजन है वो है कि सॉवरेन यूनाइटेड स्टेबल एंड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान बने। इंडिया का विजन क्या है कि एक सॉवरेन यूनाइटेड स्टेबल प्लूरल एंड डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान बने, और अगर वो चाहते हैं इंडिया तो उसको एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा और लाइक माइंडेड फोर्सेज के साथ मिलकर के प्ले करना पड़ेगा ताकि जो वैक्यूम यूएस के जाने से क्रिएट होगा उसको फिल कर सके। तो इंडिया शुड बी रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिल द वैक्यूम दैट विल बी क्रिएटेड व्हेन यूएस इवैक्यूएट्स फ्रॉम दैट अफगानिस्तान रीजन। तो ये आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, थोड़ा प्रिलिम्स स्पेसिफिक हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, क्योंकि हिंदू का प्रिलिम्स और मेंस दोनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है और सारे फैक्ट्स मैं आपको बता सकूँ, आई वॉन्ट दैट। ओके, राज्यसभा पासेस बिल टू स्लैश द सैलरीज ऑफ MPs। तो एक बिल आया है टू रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस बाय 30% फॉर वन ईयर। तो 30% तक सैलरी घटेगी फॉर वन ईयर टू मीट द एक्सीजेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक। तो COVID-19 पैंडेमिक से जो नई इमरजेंसी आ गई है उसको दूर करने के लिए एक बिल आया गया है टू रिड्यूस द सैलरी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस बाय 30% फॉर वन ईयर टू मीट द एक्सीजेंसीज, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड इट केम अंडर शार्प अटैक फ्रॉम द अपोजिशन फॉर नॉट कटिंग डाउन ऑन द लग्जरीज लाइक द सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे अपोजिशन ने क्या बोला कि आप सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग और ये सारा चीज़ें बना रहे हो, ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसका कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहे हो और ये चांदनी चौक वाली रीजन को पूरा रीडेवलप कर रहे हो, तो अभी ये सारी चीज़ें मत करो। और जो अपोजिशन है उसका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें अभी करने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन आपने ये सब भी किया एंड वहाँ पे आप सैलरी भी घटा रहे हो, तो ये सारी चीजें हुई हैं बेसिकली, यू शुड रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, वैभव टू बी हेल्ड ऑनलाइन फ्रॉम October 2। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ये किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DRDO, याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब बना था, 1958 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर का आता है, याद रखिएगा 1958 में बना था DRDO। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DRDO ने मिल करके ऑर्गेनाइज करेंगे एक वेबिनार ऑनलाइन डिस्कशंस इन्वॉल्विंग द NRIs ऑल्सो। तो NRI साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके एक ऑनलाइन वेबिनार या डिस्कशन किया जाएगा एंड दिस विल बी नोन एज द वैभव 2.0। वैभव मतलब वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मित, ओके, तो याद रखिएगा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट, ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैभव एंड इट इज ऑर्गेनाइज टू हेल्प डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप। किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू लेवरेज द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स फॉर सॉल्विंग द emerging चैलेंजेस। तो जितना भी ग्लोबल साइंटिस्ट का पूल है, ग्लोबल इंडियन रिसर्चर्स का पूल है, उनको मिला करके जो इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस हैं उनको निकालना, इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने का बेसिकली ये एक अप्रोच रहेगा, ठीक है ना। पावर्स अंडर अफ्सपा एक्सीडेड इन शोपियान। शोपियान जो आपका जम्मू कश्मीर रीजन में आता है, अफ्सपा याद रखिएगा डिस्टर्ब्ड एरियाज के लिए स्पेशल पावर्स दी जाती है आर्म फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कहा जाता है इसको, स्पेशल पावर्स इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज, ठीक है ना। डिस्टर्ब्ड एरियाज में कैसी पावर, जैसे कि अगर सस्पिशन है देन आर्मी कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट, दे कैन इंटर और सर्च अ प्रिमाइस विदाउट अ वारंट, दे कैन बैन द पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है ना। अब एनी पर्सन अरेस्टेड और टेकन इन टू कस्टडी मे बी हैंडेड ओवर टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद रिपोर्ट डिटेनिंग द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द अरेस्ट। डिस्टर्ब एरिया क्या होता है और कौन इसको डिक्लेयर करता है, तो याद रखिएगा डिस्टर्ब एरिया बेसिकली जो आर्म फोर्सेज एक्ट है उसके Section 3 में है। एक्ट कब का है, एक्ट 1958 का, याद रखिएगा द एक्ट अफ्सपा एक्ट जो है वो 1958 का एक्ट है, उसके Section 3 में डिस्टर्ब एरिया की बात की जाती है। सो एन एरिया कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स जो कि रिलीजियस रेशियल लैंग्वेज रीजनल कैसा भी इशू हो सकता है उसमें, उसके कारण अगर वो एरिया ठीक नहीं है तो उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकता है। कौन घोषित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द गवर्नर ऑफ द स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द UT कैन डिक्लेयर द होल पार्ट और होल और पार्ट ऑफ द स्टेट। या तो पूरा स्टेट ही डिक्लेयर किया जा सकता है या पूरा एक स्टेट का पार्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नर द्वारा या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा, ठीक है ना। एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जब भी आर्म फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी तो Section 3 के थ्रू उसको डिक्लेयर करके स्पेशल पावर दे दी जाएगी, ठीक है ना। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट जो था वो 1958 का एक्ट है, याद रखिएगा अफ्सपा एक्ट 1958 का एक्ट बोलते हैं उसको। क्या क्या किया जा सकता है इसके अंदर, अब जैसे फायरिंग की जा सकती है, लेकिन द ऑफिसर हैज़ टू गिव अ वार्निंग बिफोर ओपनिंग द फायर, याद रखिएगा वार्निंग देनी पड़ेगी उसके बाद ही आप फायर ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। देन ऑथराइज ऑफिसर
has also been given the power to arrest without warrant, seize or search without any warrant. ये सारी चीज़ power में है. Individuals who have been taken into custody have to be handed over to the nearest police station as soon as possible. Then the prosecution of an authorized officer requires prior permission of the central government. अगर उस officer का prosecution करना है then central government से permission लेनी पड़ेगी. So these are the things which are there. I hope you got clarity regarding AFSPA. आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी important तरीके से आपको बताया है, याद रखना इन सारी चीज़ों को. डेथ ऑफ टू स्लॉथ वियर्स वरीज नंदकानन जू अथॉरिटीज. तो यहाँ पे बेसिकली मेन आपको बताना था कि नंदकानन जू कहाँ पर है. तो नंदकानन जूलॉजिकल पार्क जो है आपका वो उड़ीसा में है, इसको याद रखेगा, फैक्ट है, ऐसे पूछ सकता है यूपीएससी, तो याद रखेगा नंदकानन जूलॉजिकल पार्क जो है दैट इज इन उड़ीसा, इसको याद रखना. सो यहाँ पे है लाइफ आफ्टर पबजी. अगर आप में से कोई पबजी खेलता रहा हो तो प्लीज़ डू टेल मी कि हाउ यू फील, हाउ यू पीपल फील एंड कैसा चल रहा है अभी, है ना. और ये भी है टिकटॉक, टिकटॉक वाले भी अगर आप में से कोई हैं तो प्लीज़ डू टेल अस कि कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है. कंट्री ऑफ ओरिजिन ओनस इज़ ऑन द इम्पोर्टर्स. अब बेसिकली हुआ क्या है कि 21 अगस्त को एक बेसिकली बिल आया था जिसको बोलते हैं कार्टोटार, ओके, कारोटार, कैरोटार बोलते हैं, यानी कि द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स 2020, कैरोटार, याद रखिएगा कैरोटार रूल्स क्या है. कैरोटार रूल्स अगर आपसे कोई पूछे तो कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, रूल्स ऑफ ओरिजिन मतलब कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला है. अब ऑथर ने ये कहा है, देखो हमारा FTA जिन जिन कंट्रीज के साथ है, FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेज और एलिमिनेट्स द इंपोर्ट और कस्टम ड्यूटीज. कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज ये बिल्कुल घटा दी जाती है, हटा दी जाती है ना, जिन कंट्रीज के साथ हमारा FTA साइन रहता है. बट जो कैरोटार रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आपको कंसेशन का बेनिफिट चाहिए, तो जैसे मान लो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा FTA है, तो उन कंट्रीज़ को ये डिस्कशन, ये डिस्काउंट और कंसेशन मिलेगा. लेकिन ये कंसेशन तभी मिलेगा जब उन्हीं आसियान कंट्रीज़ की ही कंट्रीज़ जो रहेंगी वो ओरिजिन कंट्री रहेंगी. मतलब अगर कोई चाइनीज़ गुड है और वो आसियान नेशन में आ गया एंड देन उसके थ्रू फिर हमारे इंडिया में आए, तो फिर उन उस प्रोडक्ट के ऊपर आसियान नेशन को कंसेशन नहीं मिलेगा. मतलब अगर आपको कंसेशन चाहिए तो वो प्रोडक्ट आपके ही कंट्री का ओरिजिन का होना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंट्री का. जैसे चाइना से अगर आ रहा है और आपके थ्रू हमको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम आपको कंसेशन देंगे, हम आपको फिर कंसेशन नहीं देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा. कैरोटार रूल्स. फोरेक्स रिजर्व जो है वो डिक्लाइन हो गए हैं, $353 million पे आ गए हैं. फोरेक्स रिजर्व क्या होते हैं, दे आर एक्सटर्नल एसेट्स. एक्सटर्नल एसेट्स जैसे कि गोल्ड के फॉर्म में होते हैं, SDR यानी कि आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो कि IMF के साथ होता है हमारा, तो SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स IMF के साथ, गोल्ड हो गया, देन फॉरेन करेंसी एसेट, फॉरेन करेंसी एसेट हो गया आपका, कैपिटल जो कि मतलब FDI के फॉर्म में जो भी आता है, कमर्शियल बोरोइंग के फॉर्म में जो आता है, ये सारी ये कंट्रोल कौन करता है, RBI कंट्रोल करता है, ठीक है ना, RBI कंट्रोल करता है. जैसे SDR क्या होता है, थोड़ा आपको और डिटेल बता दूँ, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, जैसे आपने IMF में जितना कंट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ निकालने, पैसा निकालने का, डॉलर के फॉर्म में निकालने का पावर रहता है, वो SDR कहलाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जितना आप निकालने का अधिकार. बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल डिटेल नहीं दे रहा हूँ आपको मैं, है ना. E-commerce to grow 40% to $38 billion in 2020 says Red Seer. अब Red Seer क्या है, एक management consulting firm है. Red Seer एक management consulting firm है जिसने कहा है कि जो festival season है वहाँ पर e-commerce बहुत ज़्यादा grow करेगा, लगभग जाकर के आपका 40% से तक grow कर जाएगा, तो याद रखेगा. And season start हो गया है IPL का, so the matches will start, I think Chennai Super Kings और किसका, मुंबई इंडियंस का मैच होगा पहला, है ना, UAE में ये स्टार्ट हुआ है. सो लेट्स सी कि क्या होता है, रिजल्ट देख लेना, लेकिन जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं वो प्लीज़ मैच मत देखना, दे आर नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर एग्जाम इज. आप अच्छे से पढ़ाई कर लो, पेपर देखो कुछ भी हो सकता है, टफ भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है, लेकिन अगर ईजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना, टफ आएगा तो अच्छा रहता है, टफ पेपर ज़्यादा बेटर रहते हैं जिन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया. आई थिंक कि जो लोगों ने प्रिपेयर अच्छे से किया उनके लिए टफ ज़्यादा बेटर रहता है. सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, एंड अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल पूछिए कमेंट सेक्शन में, एंड कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस एज वेल. दैट इज इट फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.